हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कंटेनर की चपेट में आने से हुई चार की मौत और दो व्यक्ति हुए घायल। एक ही परिवार के हैं मृतक और घायल। NH-27 पर किवल्ली पेट्रोल पंप के पास कंटेनर की चपेट में आने से एक ही परिवार की दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई है और एक बच्चा व महिला गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए ट्रोमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। सुंदा माता के दर्शन कर लौट रहे एक ही परिवार के लोग कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान किवल्ली पेट्रोल पंप के पास उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 10 वर्ष के बच्चे के सिर पर चोट लगी। कार सवार परिवार के 6 सदस्य डिवाइडर पर बैठ गए। इसी दौरान तेज गति से आ रहे कंटेनर ने सभी को चपेट में ले लिया। दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान दो घायलों ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची सदर पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चे में रखवाया। प्राथमिक उपचार के बाद दो घायलों को उपचार के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया। दुर्घटना में पाली जिले के नाना बेड़ा निवासी गोविंद राम, बाबूलाल, मंशी देवी व दुर्गा देवी की मौत हुई है। वहीं 45 वर्षीय पुष्पा व 10 वर्षीय तनिष्क घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। एक ही परिवार के चार जनों की मौत से परिवार व गांव में कोहराम मच गया है। फिलहाल काल लगातार मृतकों का पीछा करता रहा है। एक बार दुर्घटना होने के बाद काल का क्रूर पंजा चार लोगों के जीवन को लील गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर PN गुप्ता, प्रभारी राजकीय चिकित्सालय, इन्होंने ये कहा। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अवरोध, रात को एक्सीडेंट हुआ था किवली रोड पे, उसमें चार जनों की मृत्यु हो गई थी। दो अन्य घायल थे, जो घायल थे उनको रेफर कर दिया गया था। चार जनों जो है उनकी मृत्यु हुई थी, उनका अभी पोस्टमार्टम हो गया है। साथ ही एक व्यक्ति को करंट भी लगा था। करंट लगने के बाद उसको इलाज के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ उसको मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कर बॉडी सपोर्ट कर दी। आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।